नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचेस अब कब और कहां खेले जाएंगे इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद ही IPL 2021 के बाकी बचे मैचेस का आयोजन किया जा सकेगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही होना है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो इसे भारत के बजाय कहीं और आयोजित किया जा सकता है। बात की जाए भारत के T20 स्क्वाड के चयन की तो उसमें IPL की भूमिका बहुत अहम होने वाली थी, लेकिन अब जबकि 29 मैच ही हुए हैं तो इन्हीं के आधार पर चयन से कई खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इस सीजन कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा तो कुछ ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को निराश किया। इस वीडियो में हम आपको तीन बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस सीजन प्रदर्शन खराब रहा, और अगर IPL के मैचेस के आधार पर T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड चुनी जाती है तो इन्हें शायद ही चुना जाए। IPL सीजन 13 में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन का इस सीजन प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ईशान किशन ने इस सीजन 5 मैचों में 14.60 की खराब औसत से महज 73 रन बनाए। उनके इस खराब प्रदर्शन के कारण कप्तान रोहित ने उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। ऐसे में भारतीय टीम में पंत के साथ दूसरे विकेट कीपर के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले KL राहुल तथा संजू सैमसन को पहले मौका दिया जा सकता है। मुंबई इंडियंस के ही बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया। IPL सीजन 13 का आगाज उनके लिए शानदार रहा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा उनका प्रदर्शन खराब होता गया। ऐसे में सूर्य कुमार की भी T20 विश्व कप में खेलने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक मध्यक्रम में खेलने वाले मनीष पांडे को हाल ही में भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। पांडे के पास मौका था कि वो IPL में जबरदस्त प्रदर्शन कर दोबारा वापसी के लिए अपना दावा पेश करे। मनीष पांडे ने इस सीजन 193 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट आखिर के मैच को छोड़कर पूरे सीजन सवालों के घेरे में रहा। ऐसे में उनके चयन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।